Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on the chapter 2nd revision. Today we are on the part E. Now we are on the question: it is important to brush one's teeth before going to bed. यहाँ पहुँच गए थे कल, यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया था. आज इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश सॉरी इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश वन्स टीथ Before going to bed, food particles remain stuck between teeth. टीथ के बीच में जो खाने का के पार्टिकल्स हैं वो फंसे रह जाते हैं. बैक्टीरिया इन माउथ ईट दीज फूड पार्टिकल्स. जो बैक्टीरिया होते हैं इस खाने को, भोजन को, फंसे हुए भोजन को खाते हैं. इन द प्रोसेस बैक्टीरिया डैमेज आवर टीथ. इस प्रोसेस के दौरान हमारे बैक्टीरिया जो हमारे टीथ को डैमेज कर सकते हैं. ब्रशिंग ऑफ टीथ हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ बैक्टीरिया डैमेजिंग आवर टीथ. इसलिए जब अगर टीथ को ब्रश कर लिया जाए तो इसे ये डैमेज का जो चांस है वो कम हो जाएगा. हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ बिफोर गोइंग टू बेड. सोने से पहले हमें अपने टीथ जो हैं ब्रश करने चाहिए. Reducing the quantity of salt in pickle can cause it to go bad soon. Salt help in removing water from the pickle. Pickle में से water को remove करने में help करता है salt. This help in preserving the pickle over a longer duration. ये इससे क्या है, जो हमारा pickle है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है. Less salt would mean some water would be left in the pickle. अगर कम मात्रा में salt डाला जाएगा, नमक कम डाला जाएगा तो कम उसमें पानी रहने की संभावना बढ़ जाएगी. This may result the pickle getting bad sooner. वो जल्दी ख़राब हो जाएगा. Food from puffed and enlarged cans should not be consumed. Puffed and enlarged can means The air has leaked inside the can. बड़ी और puffed cans के अंदर में हवा जो है लीक हो जाती है. Presence of air presence of air inside the can may help microbes to proliferate. This would spoil the food items. Hence, food from puffed and enlarged cans should not be consumed. हवा जो present होती है उसमें microbes जो हैं अपन फलते फूलते हैं, ठीक है, और उसको ख़राब कर देते हैं फूड आइटम को, इसलिए ऐसा होता है. व्हेन यूजिंग फ्रोजन फूड आइटम वन शुड टेक आउट ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज. द फूड शुड नेवर बी फ्रोजन. वी नो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट मल्टीप्लाई बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते नहीं हैं मात्रा उनकी. वंस द फूड इज थर्ड दिस टेम्परेचर बिकम सेम एज रूम टेम्परेचर. जैसे ही उसको फूड को खुले में ऐसे रख दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है. दिस गिव्स माइक्रोब्स एक चांस टू मल्टीप्लाई विच कैन स्पॉइल द फूड. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में हेल्प करता है और इससे खाना ख़राब हो जाता है. हैंस वाइल यूजिंग फ्रोजन फूड आइटम्स वन शुड टेक अवे
टेक आउट ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इसीलिए फ्रोजन फूड आइटम में जितना चाहिए हो उतना ही भोजन हमें लेना चाहिए। दाउड फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, उसको नहीं यूज करना चाहिए। हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होती हैं। सजेस्ट वे टू प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीज, इन डिजीज से को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, आप अपना एग्जाम्पल्स सजेस्ट कीजिए, सजेशन दीजिए। फर्स्ट वन वी हैव ट्यूबरक्लोसिस, कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू वेरियस मींस लाइक एयर, वेक्टर्स, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट एंड कंटेनमेंटेड फ्रॉम फूड एंड वाटर। कहाँ से, हवा से एक आदमी से दूसरे आदमी तक, या भोजन या खाने से या पानी से फैल सकती है। ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन वेल वेंटिलेटेड एज वेल एज लिट प्लेसेस। ट्यूबरक्लोसिस जो प्रिवेंट की जा सकती है वो अच्छी वेंटिलेटेड और वेल लिट प्लेसेस, खुले और हवादार स्थानों पर रहने से प्रिवेंट की जा सकती है। क्लीनिंग यूअर फीट, सेकेंड इज एथलीट्स फूट, एथलीट्स फूट से कैसे बचते हैं। क्लीनिंग यूर फीट शूज एंड सॉक्स एट रेगुलर बेसिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग एथलीट्स फूट। एक बीमारी होती है ये, इसमें क्या होगा, इसको लगातार अपने पाँव, जूते और सॉक्स लगातार अगर आप साफ करते रहेंगे तो इससे इसको रोका जा सकता है एथलीट्स फूट को। कोलेरा, अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर हेल्प इन प्रिवेंटिंग कोलेरा। किसी प्रकार का जो खाना और भोजन आप खुले में रखा हुआ जो है वो खाने से बचें, इससे कोलेरा नाम की बीमारी आपको नहीं होगी। व्हाट आर पाइथोजेंस, नेम टू पाइथोजेंस ईच दैट काज डिजीज इन प्लांट्स एंड सेकंड इज एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज आर कॉल्ड पाइथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा जो बीमारी होती है उसको पाइथोजेंस बोला जाता है। बैक्टीरिया, फर्स्ट इज बैक्टीरिया एंड सेकंड इज फंजाई आर एग्जांपल ऑफ पाइथोजेंस विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा एनिमल्स और प्लांट्स में ये बीमारियाँ होती हैं। आज हम यही क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ेंगे, यहाँ तक रिवाइज करेंगे, इसको आप सीरियसली लर्न करें। ओके, थैंक यू सो मच।